नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म्स एट टाइम्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट दीज टू टर्म्स मीन डिफरेंट। हमने इन दोनों टर्म्स का मीनिंग स्टाफिंग के प्रोसेस में किया था। जब हम स्टाफिंग के प्रोसेस में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कर देते हैं, उसके बाद वी कम टू द स्टेप ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमें याद रखना है, बोथ आर डिज़ाइंड टू एनहांस द स्किल्स और एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग भी इसीलिए प्रोवाइड की जाती है टू एनहांस द स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज, और डेवलपमेंट भी इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ के स्किल्स, उनके नॉलेज, उनका एटीट्यूड बढ़े। फ़र्क क्या है? ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एग्जिस्टिंग जॉब। एग्जिस्टिंग काम को हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर जॉब्स। फ्यूचर जॉब्स या ग्रोथ प्रोसेस के, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग जॉब्स के लिए होती है, डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब्स के लिए होती है या ग्रोथ के लिए होती है। दोनों में हम अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स, उसकी लर्निंग, उसकी एटीट्यूड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी है, यू हैव टू लर्न द डिफरेंस फ्रॉम द बुक। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में वी कॉल ट्रेनिंग एज कैरियर ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज जॉब ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज कैरियर ओरिएंटेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इम्पॉर्टेंस। मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट दैट द एम्प्लॉयज़ गेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसकी इम्पॉर्टेंस, इसका फ़ायदा दोनों को होगा, इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बेनिफिट हमारे एम्प्लॉय को भी होगा। तो बेनिफिट दोनों को होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और एम्प्लॉय को भी होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक लर्निंग। सिस्टमेटिक लर्निंग का मतलब है हमारा हर एम्प्लॉय एक तरीके से ही काम सीखेगा, तो इससे क्या होगा, सिस्टमेटिक लर्निंग होगी। देयर विल बी नो प्लेस फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का कोई भी जगह नहीं होती। एवरीबडी विल लर्न द जॉब्स सिस्टेमेटिकली। कहीं भी कोई भी वेस्टेजेस नहीं होंगी। देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। सेकेंड, हायर प्रॉफिट्स। सिंस लर्निंग इज सिस्टमेटिक, कोई भी वेस्टेज की जगह नहीं है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, नो एफर्ट्स आर वेस्टेड,